बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्लाह के फजल करम से। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अपनी हिफाजत में रखे, अच्छे से सेहत और लंबी ज़िंदगी के साथ। आमीन सुमा आमीन। आज मैं बना रही हूँ ऐसे ही बस सादा से कबाब, और ये बंद में लगाकर और बस सॉस और वगैरह केचप वगैरह के साथ खाएंगे। इसमें बारीक बारीक प्याज ऐड किए मैंने, बिल्कुल चॉपर चॉप किए हैं प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट और काली मिर्च और नमक, बस और कुछ भी नहीं। और डबल रोटी ब्रेड की मतलब दो स्लाइस लेकर मैंने इसमें पानी से गीला करके और इसको इसमें मिक्स कर लिया था कीमे में, ताकि टूटे नहीं, क्योंकि अंडा अंडा नहीं कुछ भी। ये बच्चों के लिए और जो मिर्चे वगैरह नहीं खाते लाइट फूड, उनके लिए बहुत अच्छे हैं, तो मेरे लिए भी सही हैं, तो उस सब के लिए मैंने ये बना लिया, अपने हस्बैंड के लिए भी अपने लिए भी। तो देखेंगे इस तरह बनेंगे बस। तो मैंने कहा आपको बता दूं कि माँ मैंने कुछ भी नहीं, ना बॉयल के ना कुछ भी, बस कीमे में सारी चीज़ें मिक्स करके कबाब बना के और फ्राई कर लिए थे, और कम कम आग पे, और ये बस बंद सेक रही हूँ इसमें रखकर, और चटनी सैल वो सॉस वगैरह के साथ खा लेंगे बस। ये देखिए मैंने ओले लेकर आए, मेरे हस्बैंड फ्रूट लाए थे तो ये भी लेकर आई। मैं बहुत शौक से तवे पर भून कर खाती हूँ हमेशा, सर्दियों में आते हैं, पाकिस्तान में भी लेती थी, अब यहाँ पर भी मिलते हैं। अच्छा ये रेडी हो गए हैं, इनमें कबाब रख दिया है और बस, और ये सॉस हैं दो, केचप और हॉट सॉस, बस ये सिंपल ही होते हैं, सादा होते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं खाने। मैंने क्या किया इसमें ऐड किया था, चौपकी हुई प्याज, लहसुन अदरक, काली मिर्च, नमक और दो ब्रेड के स्लाइस, सादा ब्रेड होती है जो, बस ये फ्राई कर लिया था हल्का हल्का कम आग पर और हल्के तेल में, और बस कुछ नहीं, और इनको सेक लिया था बंद को, तो ये बन गए इस तरह। ट्राई कीजिएगा ज़रूर, बिल्कुल सादा सिंपल है, ये अमेरिकन टाइप के हैं। अब मैं चलती हूँ, आज के लिए इतने ही काफ़ी, तो फिर मिलती हूँ अगली जो भी रेसिपी होगी, तो इस रेसिपी के साथ। तो आज मैंने हल्का फुल्का बना लिया, तबीयत सही नहीं होकर दे रही, कभी ख़राब कभी सही, तो इस वजह से मैंने कहा चलें यही बनाती हूँ, ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना? ओके तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखना, अपने ख्याल रखना, और सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। अल्लाह हाफिज़।